हम पीडीए की नई व्याख्या कर रहे हैं, पीड़ित और दुखी अलायंस। यह जनता का आशीर्वाद मोदी के संग है। यह पीडीए, पीड़ित और दुखी अलायंस, सत्ता भोग से वंचित अलायंस पराजित होगा, भारी मतों से पराजित होगा। ये ऐसे लोग जुट रहे हैं जो उनका रिकॉर्ड है कि 3 से 6 महीने तक दूर नहीं रह सकते और 4 से 5 महीने तक एक साथ नहीं रह सकते। यह गठबंधन बनेगा, बिखरेगा, और मोदी का गठबंधन देश की 140 करोड़ जनता से। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है केंद्रीय बल तैनात करने के लिए बंगाल में पंचायत चुनाव में, कैसे देखते हैं? वहाँ पर बंगाल में जिस तरह पंचायत चुनाव में अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, स्वयं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उसने 6 जिले बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती का सर्वोच्च वहाँ के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से देश की जनता को न्याय का संरक्षण देने के लिए उसकी अच्छी पाल है। ममता को अब भी अपने में सुधार करना चाहिए, वरना नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना। हम पीडीए की नई व्याख्या कर रहे हैं, पीड़ित और दुखी अलायंस। यह जनता का आशीर्वाद मोदी के संग है। यह पीडीए, पीड़ित और दुखी अलायंस, सत्ता भोग से वंचित अलायंस पराजित होगा, भारी मतों से पराजित होगा। ये ऐसे लोग जुट रहे हैं जो उनका रिकॉर्ड है कि 3 से 6 महीने तक दूर नहीं रह सकते और 4 से 5 महीने तक एक साथ नहीं रह सकते। ये गठबंधन बनेगा, बिखरेगा, और मोदी का गठबंधन देश की 140 करोड़ जनता से। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है केंद्रीय बल तैनात करने के लिए बंगाल में पंचायत चुनाव में, कैसे देखते हैं? वहाँ पर बंगाल में जिस तरह पंचायत चुनाव में अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, स्वयं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उसने 6 जिले बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती का सर्वोच्च वहाँ के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से देश की जनता को न्याय का संरक्षण देने के लिए उसकी अच्छी पाल है। ममता को अब भी अपने में सुधार करना चाहिए, वरना नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।